समाजवादी पार्टी की घोसी में जमानत जब्त होने जा रही है, सपा समाजवादी पार्टी बनने जा रही है, गुंडों अपराधियों माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है, भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुँचेंगे। समाजवादी पार्टी की घोसी में जमानत जब्त होने जा रही है, सपा समाजवादी पार्टी बनने जा रही है, गुंडों अपराधियों माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है, भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुँचेंगे। आदरणीय योगी जी और हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम, उसकी शुरुआत करने का अवसर घोसी से हुआ। वो उनके पार्टी है, पूरी दल बदरू है। मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं प्रचार कर रहे सपा का, जो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई अपराधी, कोई गिरफ्तार व्यक्ति और कोई अगर गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, निर्वाचन आयोग अपना काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने कहा है कि बड़े नेता हो गए, प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा देना चाहिए, क्या कहेंगे? वो उनका पराजय का जो एडवांस में उनको आभास हुआ है, उसके खिसियाहट में ये बयान है। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से समर्थन की भीख मांगते घूम रहे हैं। यह संदेश है कि सपा यहाँ चुनाव हार चुकी है। रामगोपाल यादव ने कहा, रामगोपाल यादव कह रहे हैं, यार एक है जन करने दो, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कपड़े से बदबू आ रही है, कपड़े से बदबू आ रही है भाजपा वालों को, राजभरों से बदबू आ रही है। देखिए, आप समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, 400 सीट जीतते जीतते विपक्ष में बैठ गए, भगदड़ मची उनकी पार्टी में। विधायक रहते हुए दारा सिंह जी ने इस्तीफा दे करके, इसलिए कि उनकी भीड़ में, उनकी पार्टी में गुंडे अपराधी माफिया दंगाई हैं। यहाँ स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत सबका साथ सबका विकास। ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे भाई, हमारा विजय राजभर भी, ये ना गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, ना गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, और ये गरीबों से जीत नहीं सकते, क्योंकि दारा सिंह जी गरीब प्रत्याशी हैं, गुंडा प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस पार्टी समर्थन दे दिया है सपा को, कांग्रेस का कोई अता पता यूपी में नहीं, उनके समर्थन देने ना देने से आप एक लाइन में समझ लो सारे पत्रकार मित्रों। ये समर्थन की भीख मांगते हुए सपा वाले घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी जमानत जनता जब्त कर चुकी है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि वो हो गया यार, रामगोपाल यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर पे विश्वास अब नहीं है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर पे विश्वास नहीं है। ये रामगोपाल जी का तो विश्वास कैसे होगा, वो तो भाजपा के साथ थे, अब भाजपा के साथ आ गए हैं, अब भाजपा के साथ रहेंगे, तो सपा को विश्वास होना भी नहीं चाहिए। और सपा वैसे भी सपा है, वो जो सपा है उसको क्यों धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।